यूपी के हमीरपुर जिले में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल मामला राठ कोतवाली इलाके के कैथा गांव का है। यहां दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े घर में घुसकर इंटर के छात्र को गोली मार दी, जिससे वो पूरी तरह घायल हो गया। घायल अवस्था में छोड़कर दबंग मौके से फरार हो गए। घर के पास ही खेत में काम कर रहे छात्र के परिजन ने गोली की आवाज सुनते ही वो भाग कर घर पहुंचे और छात्र को राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। किसी ने घर मारा है, तीन चार लोग थे, वो हमने उसके पास से भाग के देखा है। मोहल्ले के अति बागराज का रजनी था और चार पाँच चले भाग के देखा है। मैंने कहा कि यार अपने को संकेत पर थे किसने मारा, उसी के पास से भागे ये सभी लोग। वहाँ पर पुलिस को सूचना आई थी कि एक युवक है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसको गोली लगी है। और इसके बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर उस युवक को उसके परिजनों द्वारा लाया गया और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें पोस्टमार्टम इस बॉडी का कराया जा रहा है और साथ ही इनके परिजनों से तहरीर लेकर इसमें अभियोग पंजीकरण किया जा रहा है।